हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ हम सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 8, आई एम द म्यूज़िक मैन। पोयम है बच्चों आज की हमारी, आई एम द म्यूज़िक मैन। म्यूज़िक मैन मतलब गाने वाला, ठीक है। आई एम द म्यूज़िक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे। मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ, गाने वाला हूँ, मैं दूर से आया हूँ, फार मतलब दूर से। एंड आई कैन प्ले व्हाट कैन यू प्ले, और मैं वो सब बजा सकता हूँ जो तुम बजाते हो। आई प्ले द पियानो, प्या प्या पियानो, पियानो पियानो, प्या प्या पियानो, प्या पान पियानो, ठीक है। पियानो बच्चों, पियानो क्या होता है, अपना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आई एम द म्यूज़िक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे। एंड आई कैन प्ले व्हाट कैन यू प्ले, आई प्ले द बिग ड्रम। देखिए बच्चों, आप सभी को पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसके पास बिग ड्रम है। ये बोल रहे हैं कि मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं ड्रम बजा सकता हूँ। बुमड़ी 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 बुम, बुमड़ी बुम, बुमड़ी बुम, ठीक है बच्चों। ये कैसी साउंड करता है ये देखिए, इसने यहाँ पे बताया है। ओके, बुमड़ी बुमड़ी बुम, प्या प्या प्यानो, प्यानो प्यानो, प्या प्या प्यानो, प्यानो पा प्यानो, ठीक है बच्चों। सभी को दिख रहा है प्यानो पिक्चर में। देखिए म्यूजिक मैन मतलब गाने वाला, फार अवे मतलब बहुत दूर से, प्ले मतलब बजाना, प्यानो बच्चों देखिए आप सभी को दिख रहा होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ड्रम भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बूम ड्रम की वॉइस होती है। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूज़िक मैन कैन प्ले। बच्चों दो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूज़िक मैन प्ले कर सकता है, इसने दिखाया है हमें स्टोरी में, सॉरी पोयम में। पियानो एंड ड्रम। ओके, वेयर डज द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम, म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से आया था। इफ़ द म्यूज़िक मैन कम टू यू, व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू। देखिए बच्चों, अगर आपके पास म्यूज़िक मैन आता है तो आप उसे क्या बोलोगे, क्या बजाने के लिए बोलोगे, तो यहाँ लिखेंगे हम आई वुड Ask him to play guitar, guitar या आपको और कोई instrument पसंद है तो आप वो बजाने के लिए उसको बोलोगे। What would you like to learn, music, dance और karate। बच्चों देखिए, आप सभी को अलग अलग चीज़ें पसंद होंगी तो आप क्या सीखना चाहेंगे, music, dance और karate। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ आई would like to learn karate so that I can fight with anyone when I am in danger। देखिए बच्चों, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या मैं किसी परेशानी में होऊंगा तो मैं लड़ सकता हूँ दूसरों से, इसलिए मैं कराटे सीखना चाहता हूँ। आप और कुछ आपके माइंड में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, देखिए, हे हो हे हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, हे हो हे हो हे हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द टेबल। देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अ फार्मर एक किसान, अ सोल्जर एक सैनिक, अ सिंगर गायक, इलेक्ट्रिशियन लाइट वाला, पायलट एरोप्लेन जो चलाता है, एक्टर जो मूवीज़ में एक्टिंग करता है, म्यूजिशियन गाने वाला, एक्ट्स
songs, flies in the field, please. बच्चों इन तीन बॉक्स में हमको अलग अलग चीज़ दे रखी है, इन्हें हमें ज्वाइन करके और एक सेंटेंस बनाना है। देखिए फर्स्ट हमें दे रखा है अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, एक किसान खेत में काम करता है फील्ड में, ओके। इस तरह से हमें बनाना अ सोल्जर, अ सोल्जर इसका क्या होगा, वियर्स अ यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। इस तरह से स्टार्ट करते हैं। सैनिक अपनी ड्रेस पहनते हैं, नेक्स्ट अ सिंगर गायक गाना गाता है, सिंग्स सॉन्ग्स, एन इलेक्ट्रिशियन लाइट वाला लाइट सही करता है, पायलट प्लेन चलाता है, ओके। एक्टर, एक्टर क्या करता है, फिल्म में एक्टिंग करता है। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन क्या करता है, गाना बजाता है। अब फर्स्ट हमें अ फार्मर दे ही रखा है एग्जांपल में, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ट्राई टू सर्किल एटलीस्ट 4। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ में हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, हमें पहचानना है और यहाँ सर्किल करना। देखिए बच्चों ये हमारे बांसुरी, इसको हम बोलते फ्लूट, फ्लूट का है ये रहा, ये हमारा ड्रम, ड्रम कहाँ है ये रहा, ठीक है, ये है हमारा पियानो, पियानो ये हमारा है सितार, सितार कहाँ है बच्चों ये रहा, ओके ढूंढा हमने। नेक्स्ट वर्क देखिए हमारा, चेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल्स, बच्चों सिंगुलर होती है सिंगल चीज़ जिसको हम बोलते हैं, जैसे एक बेंच, बेंच एक सिंगल है, अब इसको बहुत सारी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल्स बनाने के लिए बहुत सारे, मोर देन टू, टू और मोर देन टू, ओके। तो बेंच को क्या हो जाएगा, बेंचेस, ब्रश का ब्रशेस, ग्लास ग्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, बस बसेस, टमाटो टमाटोज, डियर डियर्स, शिप शिप, टूथ टीथ, गूज गीज, वुमेन विमेन, माउस माइस, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, मैन मैन, क्लास क्लासेस, ओके स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे सिंगल से प्लूरल्स में चेंज किया है, सभी को समझ में आया। बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने चैप्टर को पढ़िए और कंप्लीट कीजिए, ओके स्टूडेंट्स।